चलिए दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे क्लास टेंथ का प्रश्नावली फाइव पॉइंट टू का चौथा क्वेश्चन अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चनों को नहीं सीखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में तो चलिए हम आपको क्वेश्चन के आधार पर बताएंगे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताते हैं जो हमने इससे पहले के प्रश्नावलियों में आपको बताया अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा अगर कोई समांतर श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डॉट 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 समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी डॉट 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 होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप तो यनवा पद के लिए फार्मूला क्या होता है यनवा पद इज इक्वल टू होता है यानी अगर आपको यन पदों तक निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है उसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस माइनस वन इन टू डी जहां ए क्या है जहां ए प्रथम पद डी क्या है सार्वांतर सार्वांतर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद जहां डी क्या है सर्वांतर यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे जो आएगा वही सर्वांतर होगा और यन क्या है आपको जितने पदों का मान निकालना है वो है यानी ऋ का मान आप रखेंगे और वहाँ से जन्मा पद निकाल लेंगे ए और डी का मान रख करके मान को निकाल सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं चलिए हम आपको फिर क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन के आधार पर बताएंगे आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया क्वेश्चन है तीन आठ तेरह अठारह का कौन सा पद सा पद अठहत्तर है यहां पूछ रहा है थ्री एट थर्टी और एटीन का कौन सा पद अठारह है अठहत्तर है तो चलिए हम आपको बताते बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तो आप क्या लिखेंगे समांतर श्रेणी का समांतर जैसे बता रहे हैं वैसे लिखिएगा समांतर श्रेणी का यनवा पद यनवा पद इज इक्वल टू क्या होता है समांतर श्रेणी का यनवा पद इज इक्वल टू क्या होता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी यहाँ देखिए कौन सा पद अठहत्तर है यानी एनवा यनवा पद ही दे दिया गया है कि अठहत्तर कौन सा पद है तो आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यहाँ ए बराबर क्या दिया गया है ए बराबर तीन है इसको समीकरण नंबर एक मानेंगे यन बराबर कितना दिया गया है सॉरी ए बराबर कितना दिया गया है तीन यानी समांतर श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद यानी ए इज इक्वल टू तीन हो गया और सर्वान्तर कितना दिया गया है सर्वान्तर यानी डी कितना दिया गया है डी इज इक्वल टू क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाना तो दूसरा पद क्या है आठ है आठ में से तीन को घटाएंगे तो पांच आएगा यहाँ से सर्वान्तर क्या आया पांच आया तब आप इस फार्मूले में रख देंगे तो ए एन इज इक्वल टू क्या दिया गया अठहत्तर दिया है तो अठहत्तर हो गया बराबर ए की जगह पर तीन रख देंगे प्लस हो गया यन माइनस वन क्योंकि आपको यन का मान निकालना है तो यन माइनस वन इन टू डी की जगह पर आप पाँच रख देंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अठहत्तर बराबर तीन प्लस पाँच का अंदर गुणा कर देंगे तो फाइव एन माइनस फाइव हो गया इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाई अठहत्तर बराबर कितना हो गया इसके साथ घट जाएगा यानी क्या हो गया फाइव एक्स माइनस दो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर आएगा प्लस हो जाएगा यानी अस्सी हो गया अस्सी इज इक्वल टू फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अस्सी बटे पाँच तो पाँच करना न पाँच सोलह पच्चीस अस्सी तो यहाँ से एक बराबर क्या निकल कर आया सोलह जो कि यही क्या है राइट right आंसर है यानी थ्री एट यानी तीन आठ तेरह और अट्ठारह का कौन सा पद अठा अठहत्तर होगा सोलहवां पद इसका क्या होगा अठहत्तर होगा तो उम्मीद करते हैं इसे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं चलिए इसके आगे का क्वेश्चन बताते हैं चौथा क्वेश्चन था चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा चलिए चलिए नंबर पांचवा क्वेश्चन है पांचवे का पहला है सात तेरह उन्नीस डॉट डॉट दो सौ इसमें पूछ रहा है कि दो सौ पांचवासो पांचवें पद में कितने पद आएंगे यानी लास्ट पद कितना दिया गया है एन यानी अन्वा पद कितना दिया गया दो सौ तो यहां पदों की संख्या पूछी जा रही तो आप क्या लिखेंगे समांतर श्रेणी का श्रेणी का व्यापक रूप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो आप समीकरण नंबर एक इसको मान लेंगे और यहाँ से देखेंगे जो समांतर श्रेणी दी गई इसका पहला पद क्या है यानी ए इज इक्वल टू क्या है सेवन है डी क्या है सर्वान्तर क्या है दूसरे में से पहला तेरह माइनस सात तो यहाँ से डी बराबर छ आ जाएगा यन बराबर पूछा है तो यन बराबर आप क्वेश्चन मार्क कर देंगे इस इक्वेशन में रख देंगे तो रखने पर तो लिख देते हैं मान रखने पर चलिए मान रखते हैं तो एन की जगह पर आप 205 रख देंगे तो 205 बराबर कितना हो गया ए की जगह पर आप सात रख देंगे प्लस है तो प्लस कर देंगे एन की जगह पर आप एन माइनस वन कर देंगे डी की जगह पर आप सिक्स कर देंगे बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 205 बराबर सात प्लस छः का गुड़ा यन में करेंगे तो छः एन माइनस सात हो गया इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाई दो सौ पाँच ये क्या हो जाएगा यहाँ छः है सॉरी छः है यानी यानि यहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस सिक्स यन हो गया इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा दो सौ चार इज इक्वल टू तो सिक्स यन तो दिस इम्प्लाई एक अच्छा एट का कॉन्सेप्ट है रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं इस प्रकार तो यानी इज इक्वल टू दो सौ चार बटे छ भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा छ का नम छत्रिक अट्ठारह और दो यानी चौबीस छ छ चौक चौबीस यानी चौंतीस तो यहाँ से यन बराबर क्या निकल कर आया चौंतीस जो कि यही क्या है राइट right आंसर है तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं तो इसी प्रकार आप पाँचवें का दूसरा करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे इस छठवां भी है यही इसी प्रकार है क्या समांतर श्रेणी इतना का एक पद इतना होगा ये भी आप कर लेंगे इसी प्रकार आप करिएगा इसके अगले क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में बताएंगे तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा समझ में आया हो तो लाइक करिएगा अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को जरूर प्रेस करिएगा अगर आपको सिक्स नंबर क्वेश्चन ना आए तो हम जरूर बताएंगे इसको अगले पार्ट में तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए